भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर देशों में भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसका अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्मिता है। आज हम जिस दौर में हैं जहाँ ज़्यादातर लोग शहरों से जुड़े हुए हैं और गाँवों में मनाई जाने वाली उत्सवों की स्मृतियाँ धुंधली होती जा रही है, ऐसे में हमारे इस वृत्त चित्र का मूल उद्देश्य ही यही है कि गाँव में मनाए जाने वाले इस उत्सव को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें, दिखा सकें। तो आइए देखते हैं। आज 14 अप्रैल है, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित वर्धा के एक छोटे से गांव एड़ाखेड़ी में। तो आइए जानते हैं यहां पर यह जयंती किस तरह से मनाई जाती है। शाही सुटा बुटा तो रोजच राही, जा थारू बाप राजे शाही सुटा बुटा तो रोजच राही। जगत गाजा बाजा जाचा, जगत गाजा बाजा भीमराव एकच राजा। जगत गाजा बाजा भीमराव एकच राजा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे आंदोलन के दौरान जिन बातों को रखा और विशेषकर उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया, तो वो केवल शब्द नहीं थे, एक पूरी ज्ञान मीमांसा उसके साथ में उन्होंने जोड़ी है। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में इन शब्दों का महत्व जो है वो अधिक विशद हो जाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का यह जो नारा है, यह शिक्षित बनना केवल डिग्रियां लेना ऐसा इसका अर्थ नहीं है। हम समझते हैं कि शिक्षित बनने का अर्थ यही है कि हम डिग्रियां जुटाएं। इन डिग्रियां जुटाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। शिक्षित बनने का वह अर्थ है कि शिक्षित बन करके हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें समाज को कैसे बदलना है, और समाज में व्याप्त जो भी असमताएं है, उन असमानताओं को हमें कैसे दूर करना है, एक शिक्षित व्यक्ति का यह कर्तव्य है। बौद्ध परिवारों में अब यदि आप जाते हैं महाराष्ट्र के, तो आप देखेंगे कि बौद्ध परिवारों में दो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की। ये सन 1956 के बाद में जो बाबा साहब ने दीक्षा दी, धम्म दीक्षा दी, इस धम्म दीक्षा के कारण ये परिवर्तन आया। सबसे आनंद और हर्षोल्लास का महीना हमारे लिए 14 अप्रैल का महीना। हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ से बाबा साहब की जो प्रतिमा शहर में थी, उस प्रतिमा तक हमारे बुद्ध विहार से एक मराठी में उसे कहते हैं मिरवणूक, यानी एक यात्रा जैसे निकालते हैं। एक आप देखिए कि एक ट्रक मोहल्ले में लोग अपने तरह से पैसे जुटा करके, कोई किसी से हमें पैसा नहीं मिलता था, लेकिन मोहल्ले में जो लोग मजदूर है, जो श्रमिक है, वो सारे लोग पैसा जुटाते थे उसमें, और अपना पैसा जुटा करके उस ट्रक को सजाते थे। जो ट्रक पूरे साल भर आप देखिए कि जो गिट्टी रेती ढोता था वो ट्रक, उस ट्रक को खूब अच्छे से उसकी धुलाई करके उस पर बाबा साहब की एक बड़ी सी तस्वीर, उस समय पेंटिंग से जो है वो ऑयल पेंट से बाबा साहब की कई तस्वीरें बनाई जाती थी, वो तस्वीर ट्रक पर लगती थी। और फिर हम बच्चे, क्योंकि त्यौहार ही है ये, बाबा साहब के जन्म का उत्सव है, तो हम नए कपड़े की मांग घर में होती थी,
तो ये ठीक जो भारतीय परंपरा में हम उत्सव मनाने का जिसे माहौल कहते हैं वो माहौल एक बनता था। नीली पट्टियाँ हम बांधते थे जय भीम की। जय भीम जो एक नारा है आपने सुना है जय भीम को, जय भीम एक गर्व के साथ में मैत्री भाव के साथ में, यानी जय भीम जो है यह एक पूरी मानवता के प्रति अपनी मैत्री को किस दर्शाने वाला जो नारा है। तो इस जय भीम की पट्टियाँ हमारे सिर पर बंधी होती थी और फिर वो ट्रक निकलता था वहाँ से बाबा साहब के की मुख्य प्रतिमा पर, जो शहर में लगी हुई जो मुख्य मूर्ति है वहाँ तक। नमो तस्स भगवतो अरहतो शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महामानव है, क्रांति सूर्य है, महासूर्य है, प्रज्ञा सूर्य है। जब मैंने जितने भी सारे विशेषण लगाए तो इसमें देखिए कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा चरित्र उनका उभरता है। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब ने जिंदगी में जो काम किया उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। असल में ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्म है वह महाराष्ट्र में हुआ और उनका पूरा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी काम रहा है वह महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ। तो इसलिए निश्चित तौर पर चूँकि महाराष्ट्र में जन्मे, बढ़े पले और उनके कर्तृत्व का जो शिखर है उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई, तो निश्चित ये लाभ जो है ये महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के लोगों को और कुल मिलाकर महाराष्ट्र को मिलता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने जितना भी पढ़ा है, जाना है, समझा है कि जो शूद्र, दलित, पीड़ित, शोषित ये जो समाज है तो इस समाज के लिए उन्होंने जो काम की शुरुआत है वो भी महाराष्ट्र से की। अगर आप जिसको चौदार तड़े जो शब्द बोलते हैं, मतलब महाड़ में जो तालाब था तो जहाँ छूने की मनाई थी तो वहाँ पहली बार वो आंदोलन उन्होंने किया। इसके अलावा जो उन्होंने धम्म दीक्षा दी या धम्म परिवर्तन किया वो भी नागपुर में हुआ। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में अत्यंत महत्व रखती है। वो अधिकतम महाराष्ट्र में ही घटित हुई और इसलिए और जब जब भी बाबा साहब सामाजिक आंदोलनों का, शिक्षा से संबंधित आंदोलनों का, राजनीतिक आंदोलनों का जो जो भी शुरुआत करते थे तो उनके साथ महाराष्ट्र की जनता पहले साथ में होती थी। आपको मालूम होगा कि सबसे पहला जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो भी महाराष्ट्र में ही लड़ा था, विदर्भ के ही भंडारा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इस दृष्टिकोण से जन्म यहाँ का होना, यहाँ उनका पलना बढ़ना, यहाँ काम करना, यहाँ शिक्षा से संबंधित उनका जो भी इतिहास रहा है वो, इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी आंदोलन हुए तो उसका मुख्य तौर पर केंद्र जो है वो महाराष्ट्र रहा है। और मैं तो कहूँगा कि
ये भारत के इतिहास के सबसे बड़ी घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो धम्म परिवर्तन की घटना है, धम्म दीक्षा की घटना है, और वो भी नागपुर में ही हुई, जिसमें कई लाखों लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। इनके जीवन का, इनके संस्कृति का, इनके जिंदगी का वो एक अनिवार्य भाग बन गया है। क्योंकि बाबा साहब थे इसलिए वो है,